हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं गौरव वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। आज का अपना टॉपिक मेनली इसलिए मैं बनाया हूं क्योंकि जैसा कि आपका जो टीच एक्स्ट्रा का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर 1200 प्लस मेंबर्स अब तक हो चुके हैं और इस मेंबर्स में से 80% लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि सर जो 50 नंबर का सिलेबस है उसका क्या कौन कौन सा टॉपिक आएगा, उसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो बहुत सारा उन लोगों के मन का क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि एसटीईटी का सिलेबस मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि सिलेबस ऑफिशियली है तो फिर वो गलत बोल रहा है। तो मैं लास्ट जो भी मेरे लिंक में है, जो केवी में या फिर किसी भी पीजीटी टीचर में कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो मैं उनसे बात किया और उसके बाद और भी स्टेट में जो पीजीटी लेवल का एग्जाम होता है उस सब को देखने के बाद एक प्रारूप जो मैंने तैयार किया है उसके ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो इस स्टेप को फॉलो करें एंड अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो फिर लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए देखते हैं अपना क्या था। आपको जैसा कि पता है कि आपका एग्जाम होगा 150 मार्क्स का, ठीक। 150 मार्क्स में से 100 मार्क्स आपका हो जाएगा जिस कंप्यूटर साइंस के फील्ड से और 50 मार्क्स आपका जनरल है। तो जो 100 वाला इसका मैंने दो पार्ट तोड़ा है, बेसिक और एडवांस। जो भी बेसिक चल रहा है, ये वीडियो मेनली कमेंट के कारण मुझे बनाना पड़ रहा है, वरना अभी वीडियो का टर्न था एमसीक्यू का, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर करवाया था उसका एमसीक्यू होने वाला था एमएस ऑफिस सीपीयू इसके ऊपर। बट बहुत सारा कमेंट आ रहा है, बहुत सारा क्वेरी आ रहा है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए अब देखते हैं। तो 100 का तो डाउट आपका मैंने क्लियर कर रखा है, जितना मैंने आपको उसमें टॉपिक बताया है उसको बस आप डीपली कवर कीजिए क्योंकि मैं बस एक ओवरव्यू देता हूं और उसके ऊपर एमसीक्यू कराता हूं। आप खुद से उस टॉपिक वाइज डीपली पढ़िए और जहां से आपको क्वेश्चन मिल रहा है, जो भी आपका बेस्ट सोर्स है उससे आप उसका प्रिपरेशन कीजिए, वही मेन नंबर आपका है। उसमें आप अच्छा नंबर लें तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। क्योंकि ये जो 50 नंबर है जनरल वाला, इसका नाम क्या है, सामान्य ज्ञान एवं अन्य दक्षता। ये आप नाम पे थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ये अगर मैं आपको कहूं कि जनरल एप्टीट्यूड, जो कि आप शुरू से देते हुए आ रहे हैं क्योंकि हम सभी लोग एक टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, जो भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं जो इस बार फॉर्म भरे वो सभी लोग टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जनरल एप्टीट्यूड कोई नया वर्ड नहीं है। तो सामान्य ज्ञान एवं अन्य दक्षता, इसका क्या सिलेबस है? सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है, जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर मैं आपको करेंट अफेयर्स हो गया 2019 का, या फिर जीके में आपको हिस्ट्री वगैरह का कुछ मेन मेन पॉइंट या इम्पोर्टेंट डेट हो गया, फिर बिहार के बारे में हो गया, बिहार का क्या फेमस है। तो इसके लिए अभी करंट अफेयर का पार्ट अपने चैनल पे चल रहा है, मैं बताऊंगा अभी आगे का क्या क्या है। उसके बाद अपना सेकेंड पार्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है आपका, नंबर सीरीज। और रीजनिंग में ऐसा नहीं कोई बैंकिंग लेवल का होगा, एक नॉर्मल सा क्वालिफाइंग टाइप का एग्जाम होगा और इसका जो बेसिक क्वेश्चन होगा। तो नंबर सीरीज है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, रिलेशनशिप है और डायरेक्शन है। उसके बाद हिंदी में आपको पढ़ना है शब्द, अलंकार, समास, संधि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरार्थक शब्द, जो कि आपको एक गद्यांश दिया होगा और उसी के अंदर से इतना चीज को डील करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको एक गद्यांश दे दे और उसके अंदर से आपका उसमें कौन शब्द को बोलने में तालु या इस तरह का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन कर आएगा। उसके बाद है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आर्टिकल हो गया, टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, एरर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको एक कंप्रिहेंशन टाइप का दिया जाएगा और वहां से ये क्वेश्चन निकल कर आएगा। तो ये तो है अपना कि जो जनरली चल रहा है 10 10 10 10, 40 नंबर तो आपका यहां से पूछ लेगा, बस ये अपना 10 मार्क्स के लिए। तो हो सकता है कि आपको इसमें जनरल मैथ भी पूछे, हो सकता है, और उसके साथ में जनरल साइंस, जीके का टाइप कर दे जनरल साइंस का टाइप कर दे जीके और करंट अफेयर्स के साथ में और इसी को सीरीज कर सकता है 20 नंबर का, ये हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग क्यों ना ऐसा प्रिपरेशन करें ताकि जब हम एग्जाम हॉल में जाए तो हमारा कोई भी टॉपिक छूटा ही ना हो। क्योंकि अपने पास में अभी एक एक्सपेक्टेड डेट है कि एग्जाम होगा 7 नवंबर को, पर ये कन्फर्म नहीं है। तो हम लोग 7 नवंबर को अगर मान के चलते हैं और इस 50 नंबर के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि आपके चैनल पे करंट अफेयर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अभी क्वेश्चन भले ही कम आ रही है मगर 5 क्वेश्चन के अंदर में ही आपका दो तीन पॉइंट निकल कर आता है। अगर आप नोटबुक खोलकर उस वीडियो को देखिएगा
तो यहाँ से आप कम से कम 10+ क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यहाँ से हर एक वीडियो पे 10+ क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद क्या है, जीके जीएस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, मैथ का क्लास वीक में 2 दिन चलेगा और रीजनिंग भी चलेगा। बच गया हिंदी और इंग्लिश, ये आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा तो इसकी भी मैं क्लास स्टार्ट करवा दूंगा। अब इधर है अपना मैथ, मैथ में आपको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क एंड सिंपल इंटरेस्ट। और जनरल साइंस में 10th लेवल तक का एक आता है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एनसीईआरटी का एक सार करके आता है, उसको अगर आप पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से आपका ये भी कवर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो जो इस तक का क्वेश्चन होगा सो एक बेसिक लेवल का होता है कि आप किस तरह से उसमें आप अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन बनकर आ रहा है कि सर पैडागोजी होगा कि नहीं होगा, ये बहुत सारा क्वेश्चन है कि सर पैडागोजी होगा कि नहीं होगा। तो एक बात आप गौर कीजिएगा, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है बिहार बोर्ड की तरफ से, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पेपर वन वाले को शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता दिया गया है। शिक्षण कला का अर्थ होता है कि आप अपने अंदर की शिक्षा किसी दूसरे को किस प्रकार दे रहे हैं, मतलब बच्चे को किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई बंदा, या बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि सर नवोदय विद्यालय में भी जो पीजीटी का एग्जाम होता है वहां पे पेडागोजी का क्वेश्चन होता है, तो वहां के सिलेबस में पेडागोजी होता है, हरियाणा में अगर हो रहा है तो वहां के सिलेबस में पेडागोजी होता है कंप्यूटर साइंस वाले के लिए, तभी क्वेश्चन आता है। बट यहाँ पे आपके शिक्षण कला को हटाकर क्या कर दिया गया है, सामान्य ज्ञान एवं अन्य दक्षता। तो हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं क्लियर कि पेडागोजी नहीं होगा, मगर उतना क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां के सिलेबस में पेडागोजी टर्म है, वहां पेडागोजी का आपको एग्जाम देना है, 20 नंबर का आता है, बट ऐसा आपको बिहार एसटीईटी में नहीं है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं हो सकता है। फिर भी अगर पेडागोजी का क्वेश्चन होगा भी तो इसका क्वेश्चन इस तरह का होता है, क्योंकि बोथ लैंग्वेज में पेपर होगा, तो आप उसको इजिली आप बना सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी बच्चे में एड का विकास करना है तो उसको क्या, तो उसका माइंड शक्ति अच्छा होना चाहिए। इसी तरह हिंदी का बन सकता है कि उसमें भाषा का विकास हम किस तरह कर सकते हैं, तो यही है उसका पेडागोजी। या फिर पेडागोजी का अंदर अगर थोड़ा डीप में अगर हम लोग जाते हैं तो वो पढ़ना है बीएड और डीएलएड वाले को, जैसा कि नोटिफिकेशन में है कि बीटेक वाले को ही सिर्फ अलाउ किया गया है, इसमें बीएड और डीएलएड बीएड की कोई खोज है ही नहीं। तो पेडागोजी टर्म का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इसी एमसीक्यू के करने के दौरान हम लोग उस पेडागोजी को भी देख लेंगे, बट इतना निश्चिंत रहिए कि पेडागोजी बेस्ट पूरा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो ये था अपना 50 नंबर का पारू। और इसमें भी आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है या कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि इसमें और ऐड होना चाहिए तो आप मुझे सजेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका प्रॉब्लम हो तो आप फिर मुझे कमेंट भी कीजिए। इसके बाद आपका एमसीक्यू का वीडियो आएगा, जो कि कम से कम 50+ क्वेश्चन का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतना प्लस क्वेश्चन है। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है या कोई भी सजेशन आपको देना है तो आप मुझे दे सकते हैं। आप हर जगह हमारे साथ में, हर जगह आपका टीच एक्स्ट्रा है, तो जहां आपकी मर्जी है वहां आप मुझे कमेंट करें, कोई भी क्वेरी हो बताएं, कोई भी सजेशन हो आप मुझे बताएं। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।